हेलो एवरीबॉडी, लास्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा, उसमें हम लोग कुछ सिंबल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज भी हम लोग सिंबल के बारे में ही पढ़ेंगे। जो कुछ बचा हुआ सिंबल होगा उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। तो आज देखिए, नेक्स्ट में टॉप आपका कौन कौन सा सिंबल है उस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिए, एक सायरन होता है सर। ठीक है, सायरन आप देखे होंगे, कभी एम्बुलेंस को जाते हुए देखे होंगे, या फिर कभी जब फायर लगता है तो वहाँ पे भी एक आवाज़ आता होगा सर, मतलब। तो वो हमारा क्या हो जाता है, सायरन। तो या पहले कह सकते हैं जो आपका ISIPS बनता था स्टार्टिंग में, अभी तो खैर हटा दिया गया उस चीज़ को, लेकिन वहाँ पे भी एक सायरन बजाया जाता था। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, ये जनरली एग्जांपल में याद रखिए, आपका एम्बुलेंस वगैरह में यूज होता है। तो ये जनरली घर में यूज होता है, जब कभी फायर वगैरह होता है तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है सायरन का। नेक्स्ट आता है फायर इंडिकेटर। ये फायर इंडिकेटर क्या हो गया, कभी भी आग लगता है तो ये इंडिकेट करेगा कि हाँ यहाँ पे आग लगा। या कभी देखते होंगे कि कहीं किसी अपार्टमेंट वगैरह में जाते होंगे, या देखे होंगे, या मूवी वगैरह में देखे होंगे कि कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीने की जस्ट कहीं पे रखा, उसका धुआं अगर ऊपर जाता है और वहाँ पे अगर लगा हुआ है फायर सेंसर, तो वहाँ पे क्या होगा, वो सेंस करेगा और वह फिर क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे कहीं पे धुआं उठ रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे कहीं आग है ना। तो वो हमारा क्या हो गया, फायर इंडिकेटर। नेक्स्ट लाउड स्पीकर, ये तो आप देखे ही होंगे शादी विवाह में जो यूज़ किया जाता है लाउड स्पीकर का, जो हम लोग बोलते थे चोंगा, उसको ये बोलते थे ना चोंगा बोलते थे, जिससे कि मतलब माइक से यूज़ किए और फिर उससे क्या हुआ आवाज़। अभी के टाइम में हम लोग बॉक्स यूज़ करते हैं, है ना। तो लेकिन पहले क्या होता था, जनरली ज़्यादा से ज़्यादा आपका लाउड स्पीकर यूज़ किया जाता था। ठीक, किसी भी तरह का फंक्शन होगा, कहीं मान लीजिए 26 जनवरी हो, या फिर कहीं किसी स्कूल में फंक्शन हो रहा है किसी प्रकार का, या फिर आप मान लीजिए किसी के घर में शादी विवाह या कोई इंगेजमेंट वगैरह है, तो वहाँ पे क्या है, पहले से ही आपका क्या होगा, लगाया जाता है ये लाउड स्पीकर को। ठीक है, चोंगा को। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर तो देखे ही होंगे, कभी सिनेमा हॉल गए होंगे। ठीक है, सिनेमा हॉल में भी हमारा क्या होता है, प्रोजेक्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो बड़े पर्दे पे आपको मूवी दिखाया जाता है, या कभी कहीं पे आप क्लास कर रहे होंगे तो देखे होंगे कि क्लास में आपके सीलिंग में कहीं लगा हुआ है आपका, और वह प्रोजेक्टर आपके बोर्ड पे आ रहा है, और वहाँ पे फ्लैश करने के बाद जो है आपका, ठीक है, जो भी लाइन होगा आपका विजिबल होगा प्रोजेक्टर के सहारे होता है। तो वही हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्टर। बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए, मूवी जहाँ देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो वहाँ पर आपका लगा हुआ रहेगा, ठीक ना, और वो हमारा क्या करता है, ये प्रोजेक्ट मतलब वही प्रोजेक्टर होता है जिससे कि आप पर्दे पे मूवी देखते हो। नेक्स्ट होता है सर स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट देखिए, कुछ इस तरह से सिंबल है आपका स्पॉटलाइट का। आप कभी मूवी में देखे होंगे, या कभी आप नाटक वगैरह कहीं करते होंगे, या थिएटर वगैरह में गए होंगे, तो वहाँ पे एक ऐसा लाइट होता है ना कि वो किसी एक पर्सन पे मतलब लाइट करता है। ठीक है, किसी एक बंदा जो होता है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर वो स्पॉट करता है कि उसी व्यक्ति को विजुअल होना। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अंधेरा है और इसके ऊपर में आपका स्पॉट लाइट लगा हुआ है, या ये जो मेरा स्टूडियो है यहाँ पे अगर स्पॉट लाइट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने एक ऐसा लाइट लगाया जो स्पॉट लाइट अगर लगा, तो वो स्पॉट लाइट हमारे ऊपर सिर्फ फोकस कर रहा होगा। या मूवी में देखते होंगे कहीं पे कि किसी एक जो नायिका होती है, नायिका के ऊपर में फोकस किया जाता है, या जो नायक होता है, नायक के ऊपर में हमारा क्या होता है, वो स्पॉट लाइट से फोकस किया जाता है। जब तो फिर हमारा जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा वही हमारा क्या होगा, दिखेगा सिर्फ, बाकी सब ही जगह क्या होगा, अंधेरा होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पॉट लाइट। नेक्स्ट होता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर आप ट्रांसफार्मर में देखे होंगे, जो आपका टू पोल ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, या पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर होता है, जो कि दो टावर दो पोल पे खड़े होते हैं, उसके ऊपर में आप देखेंगे कि वहां पे तीन लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ होता है। क्लियर, तीन लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ होता है, और वह लाइटनिंग अरेस्टर आके नीचे अर्थ से कनेक्ट रहता है कि कभी किसी तरह का कोई लाइटनिंग हो, लाइटनिंग स्ट्रोक, या फिर आप बोल सकते हो उसको ठनका, ठीक है, या बिजली कड़कना बोलते हैं उसको, तो वह अगर होता है कहीं तो उसका सिंबल जो होता है, वह मतलब अगर कहीं पे बिजली कड़क रहा है तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करेगा, उस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको जमीन में बरीड कर देगा, मतलब जमीन के अंदर चला जाएगा, फ्लो कर जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी इक्विपमेंट होगा वहाँ पे वो हमारा सेफ रहेगा, बच जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, लाइटनिंग स्ट्रोक से बचने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं, और इसका सिंबल क्या रहेगा, ये आइसोलेटर होता है सर। ठीक है, जस्ट लाइक एक स्विच ही होता है जिसको कि सब स्टेशन वगैरह में यूज करते हैं हम लोग, तो उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से। नाउ अब देखिए, पुश बटन है। पुश बटन देखे होंगे, घर में अगर मोटर लगा हुआ होगा सर, घर में अगर मोटर लगा हुआ, जो पानी वाला, जहाँ से कि पानी जाता है ऊपर सिंटेक्स में आपका, जो ऊपर पानी बिल्डिंग में आप भेजने के लिए करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक पुश बटन हो, जो मोटर रहेगा आपका, वहाँ पे एक स्टार्टर लगा हुआ होता है जिसको कि हम लोग ड्यूअल स्टार्टर बोलते हैं।
ठीक है, डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर, DOL स्टार्टर। तो वह DOL स्टार्टर में आप देखे होंगे पुश बटन लगा होता है, एक लाल एक हरा। आप हरा वाला को प्रेस कीजिएगा तो आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा, रेड वाला को प्रेस करेंगे तो मोटर आपका क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो वह हमारा क्या होगा, पुश बटन कहलाता है। मतलब कि आप प्रेस किए तो प्रेस करने के बाद फिर वापस अपने जगह पे आ गया, ऐसा नहीं। जैसे कि आप स्विच देखे होंगे, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो वह दूसरा उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, लेकिन पुश बटन में क्या होगा, पोजीशन पहले वाला रिगेन कर लेता है, वह जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पुश करेंगे वह प्रेस होगा, फिर जो भी आपका इक्विपमेंट है मोटर होगा उसको ऑन कर देगा, फिर जैसे ही आप हटाएंगे अपना उंगली हटाएंगे उस पुश बटन पर से तो फिर वापस वो अपना पोजीशन में आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा पुश बटन। नेक्स्ट सीलिंग रोज। सीलिंग रोज देखिए कि छत में देखे होंगे कहीं लगा हुआ है, सजावट के लिए भी यूज करते हैं, या आप कह सकते हैं कि बल्ब जो यूज करते हैं, तो बल्ब जो होल्डर प्लेस करते हैं ना, होल्डर प्लेस जिसके ऊपर किया जाता है वो हमारा क्या होता है, सीलिंग रोज। एक प्लेट टाइप से यूज करते हैं सारा ऐसा कुछ, ठीक है, इसी के ऊपर आप एक होल्डर लगा देंगे, ठीक है, और इसमें आप बल्ब लगा देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सीलिंग रोज। क्लियर, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आइए अर्थ प्लेट। देखिए अर्थिंग अगर बोला जाए, अगर ये सिर्फ आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि अर्थिंग मतलब जनरल अर्थिंग है हमारा, लेकिन अर्थ प्लेट मतलब हमारा यहाँ पे प्लेट अर्थिंग यूज किए होंगे। अर्थिंग के टाइप होते हैं सर, तीन चार टाइप के होंगे, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, फिर स्ट्रिप अर्थिंग, ठीक है, इस तरह से टाइप होते हैं, बताएंगे आप उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर प्लेट अर्थिंग होगा सर तो कुछ इस प्रकार का होगा, मतलब सिर्फ करना क्या है, अर्थिंग का सिंबॉल बनाना है, उसको एक बॉक्स में डाल देना है। जनरल वायरिंग, ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ इस तरह का कोई सिंबल है, या इसी चीज़ में आप कह लीजिए कुछ इस तरह का सिर्फ सिंबल, नहीं मत कीजिए इसको, यही है, इस तरह से अगर कुछ सिंबल है तो आपको ये समझना है कि हमारा क्या है, जनरल वायरिंग है। मतलब कोई सा वायरिंग हो सकता है, हो सकता है या क्लिट वायरिंग हो सकता है, या कंड्यूट वायरिंग हो सकता है, सरफेस ऑन कंड्यूट हो सकता है, कंसील्ड कंड्यूट हो सकता है, बैटन हो सकता है, CTS हो, किसी प्रकार का यह वायरिंग हमारा हो सकता है, बट ये क्या है, जनरल वायरिंग का हम इंडिकेट कर। अब नेक्स्ट आता है सर रीवायरेबल फ्यूज। फ्यूज आपको पता है, बताए होंगे डेफिनेशन की फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जब कभी घर में आपका हैवी करंट फ्लो करता है, इट मीन्स कि शॉर्ट सर्किट होता है, तो यह फ्यूज क्या होगा, मेल्ट कर जाता है, और जिसके वजह से हमारा सारा इक्विपमेंट बच जाता है जलने से। क्लियर, अब इसमें कह रहा है कि रीवायरेबल फ्यूज, पहले के टाइम में आप देखेंगे सॉकेट जो स्विच रहता था, सॉरी फ्यूज रहता था, उसको आप निकाल देंगे तो पूरे घर का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी अब यूज नहीं करते हैं, अब उसके जगह पे क्या आ गया है, सर्किट ब्रेकर, ठीक है, फ्यूज के जगह पे हम लोग क्या लेके आए हैं, सर्किट ब्रेकर, मॉडिफाइड रूप आप कह सकते हैं सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। तो जो फ्यूज रहता था उसमें एक बल्ब रहता था, आप ऐसा देखे होंगे कहीं पे, कुछ इस तरह से रहता था, ठीक, अब यहाँ पे ऐसा बना हुआ है और इसके बीच में आपका क्या, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इसके बीच में आपका एक वायर कनेक्टर रहता था, ठीक है, वायर कॉपर का वायर, बहुत पतला सा रहता था, एक वायर ले सकते थे, एक स्ट्रेंथ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते थे, इसके बीच में कनेक्ट कर देते थे और फिर बोर्ड में रख देते थे। जैसे ही बोर्ड में डालते थे सप्लाई मेरे घर में आ जाता था, इट मीन्स अगर करंट मेन से आपका आ रहा है तब, ठीक, लेकिन जैसे ही इस फ्यूज को आप बाहर करोगे पूरे घर का सप्लाई आपका क्या होगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, रीवायरेबल फ्यूज, मतलब कि जो वायर होगा इसमें इसको आप चेंज कर सकते हो, मतलब मेल्ट कर गया तो वहां पे वायर फिर आप नया लगा दो, फिर से वापस आप पुट कर दो अपने जगह पे रख दो, फिर आपके घर में सप्लाई जाने लगा। नेक्स्ट वायरिंग ऑन वॉल सरफेस। वॉल सरफेस पे वायरिंग, समझिएगा, हो सकता है बटन वायरिंग हो या फिर कंड्यूट वायरिंग हो। आप देखते होंगे कि जो बंदा घर बना लिया है, जो व्यक्ति घर बना लिया अपना, पूरा फर्निशिंग कर चुका है, इट मीन्स कि पूरा प्लास्टर वगैरह कर दिया है, लेकिन वायरिंग नहीं कराया है, तो वो क्या करता है कि अपने दीवार पे ही वायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, इट मीन्स कि दीवार पे ही कर। अब तो ऐसा नहीं है ना कि पूरे घर में प्लास्टर करवा दिया है, अब प्लास्टर करने के बाद वो प्लास्टर को फोड़ेगा, अब फिर जाके वायरिंग करेगा, मतलब फिर दीवार के अंदर करेगा। हाँ, अधिक पैसा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे की कमी है वह क्या करते हैं कि दीवार पे ही वायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इट मीन्स कि दीवार पे ही वायरिंग करवा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर वॉल पे ही रहेगा, दीवार के ऊपर में रहेगा वायरिंग किया हुआ, किसी प्रकार का वायरिंग हो सकता है, वह कंड्यूट वायरिंग हो या फिर बैटन वायरिंग हो या फिर क्लिट वायरिंग हो, किसी प्रकार का अगर वह दीवार पे किया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार का कुछ सिंबल होगा, जस्ट मार के लाइन और नीचे आपको कुछ इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट आता है सर वायरिंग बिलो दी वॉल। बिलो दी वॉल कहने का मतलब क्या, प्लास्टर करने के पहले दीवार में आप कह सकते हो, देखते होंगे जब नया घर बनता है, अभी आपका बस ईंट लग के तैयार हुआ है, प्लास्टर नहीं किए हैं, तो दीवार को ही काटा जाता है, ठीक है, छोटे छोटे में दीवार को काटा जाता है, जितना साइज रहेगा पाइप का उस हिसाब से हम
काटते हैं दीवार को, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। इट मीन्स कि जो पाइप होगा पीवीसी का उसको हम रख देते हैं, और फिर उसके बाद उसके ऊपर हम प्लास्टर चढ़ा देते हैं। तो मतलब क्या हुआ, दीवार के अंदर, ठीक, मतलब बिलो वॉल। तो हम दीवार के अंदर अगर कर दिए तो हमारा कुछ इस प्रकार से आया। देखिए नेक्स्ट, अब ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस प्रकार का वायरिंग है, ठीक है, बट इतना ध्यान रखना है कि दीवार के अंदर है तो हम कहेंगे क्या, वायरिंग बिलो द वॉल है। नेक्स्ट, सरफेस कंड्यूट वायरिंग। देखिए कंड्यूट बोला जा रहा है, मतलब ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसमें पाइप यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ पाइप। देखते होंगे जब आप कभी वायरिंग करते होंगे तो आप एक चौड़ा पट्टी वाला आता है सर, जिसको हम लोग बीट बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, हालांकि यह जो है CTS, कैजिंग एंड कैपिंग बोलते हैं। टाइप की बात करेंगे तो यह कैजिंग एंड कैपिंग होगा, जो एक बीट आता है चौड़ा टाइप का जो होता है स्क्वायर शेप में, जिसमें कि आपका मतलब खाली रहता है कह सकते हैं, एक आपका रहेगा उसके ऊपर का आप पोर्शन हटा सकते हैं, उसके बीच में आप वायर लगा दोगे, और वायर लगाने के बाद फिर ऊपर से आप उसको ढक दोगे। दीवार पे किया जाता है जनरली, ठीक है, चौड़ा चौड़ा पट्टी रहता है, उसको हम लोग बीट बोलते हैं या बीट वायरिंग भी बोलते हैं, हालांकि उसका नाम क्या होगा, कैजिंग एंड कैपिंग। लेकिन आप देखते होंगे कि गोल वाला पाइप यूज किया जाता है, जिसको कि पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप बोलते हैं, ठीक है। वह पीवीसी पाइप अगर आप यूज कर रहे हैं तो वह हमारा कंड्यूट वायरिंग है। अब उसमें भी अलग अलग टाइप के हैं, अगर दीवार पे यूज कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा क्या, सरफेस कंड्यूट। अगर दीवार के अंदर, इट मींस कह सकते हैं कि आप दीवार, जब आपका घर बन के तैयार हो रहा है, आपने प्लास्टर नहीं किया है, तो दीवार काट के आप फिर पाइप बिछाएंगे, पीवीसी पाइप बिछाएंगे और उसके बाद प्लास्टर करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कंसील्ड कंड्यूट, ठीक है, कंड्यूट रहेगा, तो वहां पे पीवीसी ही यूज करना है, गोल वाला पाइप, ठीक। लेकिन अगर सरफेस पे रहेगा, सरफेस कंड्यूट वायरिंग, तो मतलब दीवार के ऊपर प्लास्टर कर दिया गया है और उसके ऊपर से आपको क्या किया है, सिर्फ वायरिंग किया गया है, तो ये हमारा सरफेस कंड्यूट वायरिंग हो जाएगा। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार, देखना, ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला है। अगर वायरिंग ऑन सरफेस कहा तो ये, लेकिन देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर ये मिटा दिया तो ये क्या हो गया हमारा, वायरिंग ऑन वॉल सरफेस, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेंशन कर दिया है, इसका मतलब है कि वह कंड्यूट यूज कर रहा है, मतलब पाइप यूज कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। देखिए कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग जो होगा हमारा कुछ इस प्रकार का होगा, इट मीन्स कि दीवार के अंदर, दीवार जो बन के तैयार हो रहा होगा, तो दीवार के अंदर जो वायरिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, कुछ इस प्रकार से, क्लियर। नेक्स्ट आता है सर वोल्ट मीटर। देखे होंगे वोल्ट मीटर, इंस्ट्रूमेंटेशन में आप पढ़े होंगे वोल्ट मीटर, एम मीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर, हर एक चीज पढ़े होंगे, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, वोल्ट मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में अगर आपको बोल दे कि ये सिर्फ वोल्ट मीटर है, एसी है कि डीसी है, ये आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी में अगर बोले कि एसी वोल्ट मीटर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ऐसा कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिंबल हमारा किस चीज का था, एसी का, एसी का सिंबल क्या था, मतलब साइनोसॉइडल भाई, ये हमारा हो गया क्या, एसी का सिंबल, हमने यहां पे क्या करा, एसी बना दिया, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये एसी सिंबल हो गया, ठीक है। अरे भैया बना लो यार, ये एसी वोल्ट मीटर हो गया। सिर्फ वोल्ट मीटर की बात करें तो क्या हो गया, सिर्फ वोल्ट मीटर मतलब ये वोल्ट मीटर। अब ये एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। अब एसी वोल्ट मीटर की बात करेंगे तब क्या होगा, तो ये कुछ इस तरह से, ये हमारा क्या हो गया, एसी वोल्ट मीटर। इसी में अगर हम डीसी वोल्ट मीटर की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, इसको आप चेंज करके यूं कुछ कर दो, ये हमारा क्या हो गया, डीसी वोल्ट मीटर। क्लियर है, होप सो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एमीटर। एमीटर में भी अगर बात किया जाए एसी एमीटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसी बना देंगे। अगर डीसी एमीटर रहा तो हम क्या करेंगे, डीसी बना देंगे। देखिए आप अलग अलग ड्रॉ कीजिएगा, मैं यहाँ पे बस ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी में जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ वोल्ट मीटर लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा एसी वोल्ट मीटर, और फिर आप सिंबल ये लिखिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा डीसी वोल्ट मीटर, फिर आप सिंबल क्या कीजिएगा, ये लिखिएगा, क्लियर। अब उसके बाद एमीटर, एमीटर लिखने के बाद आप ये सिंबल बनाइएगा, फिर एमीटर में भी आप क्या करेंगे, एसी मेंशन करेंगे, तो कुछ ये हो जाएगा। अब इसी में आपका डीसी मेंशन करना होगा तो ये होगा, अलग अलग आप कॉपी में लिख लीजिएगा, नोटबुक में, ठीक है। वॉट मीटर की बात करें तो अब वॉट मीटर हमारा क्या होगा, बस डब्ल्यू से मेंशन कर देते हैं, क्लियर। लेकिन जनरली आप जब पढ़े होंगे वॉट मीटर, तो वॉट मीटर का देखे होंगे कि आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहता है, ये रहता है आपका, ठीक है, ये मेन लाइन सी कॉमन और बोल्ट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये भी सिंबल है हमारा वॉट मीटर का,
क्लियर ना। ये भी सिंबल हमारा क्या है, वॉट मीटर का, पढ़े होंगे इसमें सीसी और पीसी, करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल, आप लोग ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ चुके होंगे, क्लियर। वॉट मीटर हो गया। अब देखिए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर आप भी पढ़े होंगे, ब्रिजिंग पढ़े होंगे, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े होंगे, कैल्विन डबल ब्रिज पढ़े होंगे, हे ब्रिज पढ़े होंगे, है ना, उन सभी ब्रिज में आपका ये गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया हुआ रहा होगा, ठीक। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को मेजर, बारीकी करंट, स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर हमारा क्या होगा, कुछ इस प्रकार से, इसी में कहीं हो सकता है आपको ऐसा करके जी लिख दे तो भी आपका वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर, क्लियर है। अब एक आता है स्टार्टर, स्टार्टर क्या होता है, फैन में भी आप स्टार्टर यूज करते हैं, है ना, या आप कहीं बड़े बड़े मोटर लगाएंगे, जब आप पढ़ेंगे आगे डीसी मोटर पढ़े होंगे अगर आप, तो डीसी मोटर में आप स्टार्टर यूज़ कर रहे होंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक ना। मतलब कि स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करने के लिए, कि कोई मोटर है तो उसको हम स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज़ करेंगे, नहीं, चूँकि स्टार्टिंग में मोटर जो हैवी लोड या हैवी करंट ड्रॉ करता है, ठीक है, तो हैवी करंट ड्रॉ करता है तो उस टाइम में करंट को लिमिट करना है। अगर बहुत ज़्यादा करंट मोटर में फ्लो कर गया या जनरेटर में फ्लो कर गया, जनरेटर में नहीं मोटर में, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा करंट मोटर में अगर फ्लो कर गया तो मोटर हमारा क्या होगा, जल जाएगा। तो अधिक करंट नहीं फ्लो करे उससे बचने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज़ करते हैं, ठीक। तो स्टार्टर क्या होगा, एक डिवाइस जो कि हमारा करंट को लिमिट करता है, करंट को कंट्रोल करता है, कम करता है, क्लियर। उसका हम लोग क्या सिंबल कुछ इस तरह से बनाते हैं। अब ये सी में हो सकता है 3 पॉइंट स्टार्टर होगा, 2 पॉइंट स्टार्टर होगा, 4 पॉइंट स्टार्टर होगा डीसी के लिए। एसी में जाइएगा, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्म, सॉरी स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज हुआ होगा, या डीओएल स्टार्टर यूज होगा जो कि आप अपने घर में यूज करते हैं, जिनके घर में मोटर लगा हुआ होगा, क्लियर। और फिर उसके बाद हो जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, ठीक ना। उसके बाद रोटर स्टेटर कैसे, रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टर होता है, फिर स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टर होता है। ये सब आपका एसी के लिए है, है ना। जब इंडक्शन पढ़ेंगे आप, एसी ही पढ़ेंगे, एसी मशीन, उसमें ट्रांसफार्मर पढ़ना है आपका, फिर मशीन के बारे में पढ़ना है, इंडक्शन मोटर पढ़ना होगा या सिंक्रोनस मोटर पढ़ना होगा, तो उन सब में हम लोग यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। ये हो गया क्या, स्टार्टर, क्लियर। दो तीन डेफिनेशन और, दो तीन और है, उसको आप लिख लीजिए। देखिए अगर आपको सिर्फ बोला जाए कि मोटर, तो मोटर का सिंबल क्या हो जाएगा, उस चीज़ को आप लिख लीजिए। फिर आपको अगर जनरेटर बोला जाए तो जनरेटर का सिंबल क्या होगा वो लिख लीजिए। एक होता है ट्रांसफार्मर, ये सब बेसिक है सर, छोटा छोटा चीज़ है जिसको जिसको जो कि आपको पूछा जाएगा, समझिएगा। अगर सिर्फ आपको दिया जाए कि मोटर है, ये मोटर है, तो हम क्या करेंगे, एक ग्राउंड लिए, यहाँ पे मोटर ली थी। अब देखिए ये नहीं पता है कि ये एसी मोटर है कि डीसी मोटर है, ये पता नहीं है कि एसी मोटर है या डीसी मोटर है, लेकिन है ये मोटर। अगर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया हमारा, डीसी मोटर। तो आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे इस तरह से कि पहले आप मोटर लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप एसी मोटर, ये हो गया हमारा, फिर आप क्या करेंगे, डीसी मोटर, ठीक है, कुछ इस तरह से। सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्या, जनरेटर, ठीक है, क्या होगा, जनरेटर। अब देखिए जनरेटर क्या होगा, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, समझिए। ये जी, ठीक है, इसी में आपका कितना टाइप का, दो टाइप का, अगर आप लिख देते हैं डीसी जनरेटर, तो ये क्या हो जाएगा, डीसी जनरेटर अगर बोल दे तो आप क्या करेंगे सर, ये मैंने क्या करा, ये कुछ ऐसा कर दिया, ये हमारा क्या होगा, डीसी जनरेटर। इसी में बात करें एसी जनरेटर, तो क्या करेंगे सर, ये लिखा जनरेटर और ये किया कुछ, बोलो हाँ कि ना, है ना। अब एक और रहता है आपका क्या, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे, बोलो देखे हो कि नहीं, अगर देखे हो तो बताओ। ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज जो होता है या फिर लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, उसको बोलते हैं हम लोग, जो कनेक्शन दिया जाता है ट्रांसफार्मर में उसको हम बूसिंग बोलते हैं। तो आप हमको ये भेजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा कि हाई वोल्टेज बूसिंग कितना होता है, मतलब नंबर 2 3 4 5 कुछ इस तरह। तो हाई वोल्टेज बूसिंग कितना होगा, और बात किया जाए लो वोल्टेज बूसिंग का, तो लो वोल्टेज बूसिंग कितना होगा, दोनों का नंबर। अब ये हाई वोल्टेज बूसिंग कितना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाई वोल्टेज बूसिंग, ठीक ना, और ये लो वोल्टेज बूसिंग, आप हमको बताइएगा, टेक्स्ट कीजिएगा,
या फिर कमेंट कीजिएगा कि हाई वोल्टेज बूस्टिंग कितना होगा ट्रांसफार्मर में और लो वोल्टेज बूस्टिंग ट्रांसफार्मर में कितना होगा। अब देखिए, सिर्फ ट्रांसफार्मर की बात अगर किया जाए तो ट्रांसफार्मर का क्या हो जाता है सर, कुछ इस तरह से सिंबल होता है सर। देखिए, ये अगर नहीं रहेगा तो इसका मतलब होता है एयर कोर ट्रांसफार्मर, कि उसमें कोर नहीं है, है ना। अगर ये मेंशन कर दिया तो इट मींस कि ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, जिसमें से ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक ना, ये आपका प्राइमरी और ये आपका सेकेंडरी, तो ये हमारा क्या हो गया ट्रांसफार्मर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब सबको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में और याद कीजिएगा, ठीक। जब आपको याद हो जाए तो अपने मन से, देख के नहीं, अपने मन से लिख के आप मेरे नंबर पे भेजिएगा, मैं भी देखूंगा कि आप लिख रहे हो, सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। बट बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि देख के कॉपी कर लिए और फिर हम भेज रहे, नहीं ऐसा नहीं। आप अपने मन से लिखिएगा कि आपको कितना याद हुआ। अगर 5 ही याद हुआ तो आप 5 ही लिख के भेजिएगा, बाकी को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि टाप दिए पूरा पकड़ के, कॉपी पेस्ट कर दिए और फिर हम भेज रहे हैं, नहीं, ठीक। तो भेजिएगा, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।